इस बार मैं जज के हैसियत से आई हूँ और पूरा प्रोसेस के बहुत ही रिग्रेस प्रोसेस रहा चूजिंग में और सिलेक्शन में, और एक्चुअली मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करने के बाद मैंने सारी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स पे अपने हाथ भी मारे तो आई स्टोल क्वाइट अ फ्यू प्रोडक्ट्स, तो आई रियली एंजॉयड इट. आई थिंक इट्स अ फन प्रोसेस एंड इट्स गोना बी फन वॉचिंग दिस. आई थिंक मेरे लिए अंदरूनी खूबसूरती ज़्यादा मायने रखता है एंड ब्यूटी ट्रूली इज स्किन डीप एंड आई रियली बिलीव इन दैट. बट आई थिंक अब हम कलयुग में रह रहे हैं तो आई वुड बी वेरी स्टूपिड टू जस्ट से ओ अंदर से बहुत ब्यूटीफुल है, अब बाहर से अगर ख़राब लग रही है तो अभी हम क्या करें, तो उसे और खूबसूरत बनाने के लिए एंड आई थिंक टू मेक आर लाइव्स मोर सिंपलर एंड ईजियर, क्योंकि बहुत पोल्यूशन है. हम आमतौर पर वी आर नॉट लिविंग द लाइफ दैट वी शुड बी लिविंग. हम हिमालयस पर तो रह नहीं रहे हैं और मतलब स्ट्रेस फ्री लाइफ तो जी नहीं रहे हैं, तो वी हैव टू ऑब्वियसली प्रिजर्व आर स्किन एंड प्रिजर्व, मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे पता नहीं वी नीड टू लाइक ममीफाई आर स्किन, बट नो वी ऑब्वियसली हैव टू टेक केयर ऑफ आर स्किन एंड देर आर अ लॉट ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स टुडे दैट रियली हेल्प अस लुक बेटर, यू नो, इम्प्रोवाइज द डार्क सर्कल्स, टेक अवे द पफिनेस, देर आर एंटी एजिंग क्रीम्स. But even saying that, I think less is more. You should not overdo it. Definitely, and I just think that, you know, even today there are a lot of people who are naturally beautiful, and some are conventionally beautiful, some are beautiful because their personalities are beautiful. So. I think beauty truly is also something that varies from person to person. कोई रिएक्शन नहीं है इस फेमिना ब्यूटी अवार्ड्स के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है, तो मैं कोई आंसर नहीं दूंगी. जी बेस्ट ड्रेस्ड एक्टर इन बॉलीवुड बहुत सारे हैं यार आजकल, तो आई थिंक मोर देन द एक्टर्स इट्स द स्टाइलिस्ट दैट शुड बी गेटिंग क्रेडिट्स because I think they also put in a lot of effort, so it would be very unfair on my part to just select one or two, but I think style for me is something that is innate, it's not something that comes with clothes. So there are a lot of beautiful people out there, Rekha ji, there's Deepika, I think they really carry themselves very beautifully. Thank you. Yes. How are you?
खूबसूरती किसके लिए मायने नहीं रखती है, खूबसूरती सबके लिए मायने रखती है. आई थिंक एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी ब्यूटिफुल एंड एवरीवन इज ब्यूटिफुल, वी ऑल ब्लेस्ड इन डिफरेंट वेज. सो मेरे लिए बाहरी खूबसूरती के साथ साथ अंदरूनी खूबसूरती भी मायने रखती है. लगता नहीं आपको? जी बिल्कुल मदद करता है. जब आप अंदर से पीसफुल हैं, खुश हैं, तो वो बाहर नज़र आता है. वेल हमारा कल सीज़न फिनाले है, माया का फर्स्ट सीज़न एंड हो रहा है. तो आई एम अ लिटिल सैड, लिटिल प्लीज से देयर सो मेनी इमोशंस, बट आई जस्ट वांट टू थैंक एवरीबॉडी फॉर लविंग द सीरीज लाइक एनीथिंग एंड बूस्टिंग आवर कॉन्फिडेंस एंड लाइकिंग माय वर्क. थैंक यू. आई थिंक मेरे लिए डेफिनेटली बहुत मायने रखती है. आई एम समवन हु लव्स कॉस्मेटिक्स, सो यू नो व्हेन समथिंग लाइक दिस कम्स अप आई रियली फील वेरी नाइस बिकॉज आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू ट्राई न्यू थिंग्स, टू नो व्हाट्स इन द मार्केट, टू बिकॉज वी कीप गोइंग टू द रेड कार्पेट्स एंड वी वांट टू ट्राई डिफरेंट एंड न्यू लुक्स. सो आई थिंक दैट्स द रीजन आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, टू नो हु ऑल आर विनिंग. ऑफकोर्स आई थिंक हर किसी को अच्छी फीलिंग आती है पीपल कॉम्प्लीमेंट यू, और अगर अच्छा कॉम्प्लीमेंट हो तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है. एंड आई फील नाइस. या वेल डेफिनेटली समथिंग इन पाइपलाइन, बट आई विल टेल यू सून, मे बी नॉट इन हिंदी लैंग्वेज, बट या थैंक यू. Thank you.
I think to begin with, beauty is inside. It's what you feel inside. Is how you see yourself is how people will see you. How you conceive yourself is how people conceive you. So I think beauty is a lot here. But to feel, but I feel also the first impression is very important. You get to know a person, how they are really in a while. But for the first impression, yeah, Femina Beauty Awards is all about that. I'm sorry? Well, talent is more important, but it's all, I think, like I said, beauty is all about how you conceive yourself, how you see yourself, and it's also about how you know your strengths and your weaknesses, you celebrate your weaknesses, and you enjoy your strength, you enjoy, but I think beauty is also a lot more about gratitude. And that's one thing I started doing every day, is I get up in the morning, I thank God for however way I am. It doesn't matter. Sometimes I get up with bad hair, sometimes I get up with pimples on my face, sometimes I get up with like a lot of work, and there are times that you don't have work, there are times, the times you feel really happy, the times you get up in the morning, you're not feeling that good, you're low, you're depressed. But what's really important is that the fact that I have this body, and God's been really kind, and there are 100 million things that I can be happy about. So that's about it.